Now, the other facet of this entire case, Mr. Kiran Gosavi, if we talk about him, remember he's been missing still now, but yesterday evening he surfaced. He's a private investigator whose photos and videos with Aryan Khan threw up multiple questions. He told NDTV that he will surrender in Lucknow. When asked why he was surrendering in Lucknow when the case has been filed in Mumbai and Maharashtra police are looking for him, KP Gosavi told NDTV that he feels threatened in the city. Police in Lucknow say they have no such information about Gosavi, and so far, according to a phone conversation that was released, they have not allowed him to surrender there. Hello? हाँ, मिस्टर केपी गोसावी बोल रहे हैं? मैं सुनील सिंह बोल रहा हूँ एनडीटीवी से. एनडीटीवी से? मैं सुनील सिंह बोल रहा हूँ एनडीटीवी से. ये आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उस संदर्भ में आपसे बात करनी थी. कल जो आपके बॉडीगार्ड ने बताया, मैं आपको कनेक्शन करने जा रहा हूँ. आरोप सारे आप सरेंडर करने जा रहे हैं? हेलो, कहाँ पर सरेंडर करेंगे? लखनऊ में सरेंडर कर रहा हूँ जी. लखनऊ में सरेंडर कर रहा हूँ अपने आप को. अच्छा, लेकिन ये जो आरोप लगा है आपके ऊपर, जो आपके बॉडीगार्ड ने बताया है कि आप पूजा डडलानी और ये सैम डिसूजा से मिले थे और 25 करोड़ की बात करनी थी, उसमें से 8 करोड़ समीर वानखड़े को जाना था, इस पर क्या कहना है आपका? सब झूठे आरोप है, ठीक है. इसमें मैं तो पुलिस की मदद मांगूंगा कि पुलिस ने इसमें कोई इंटेलिजेंस कमेटी ने इसमें जो भी है चेकिंग करके जो सच है वो सामने रखा. तो आप किससे मांग करेंगे ये जी? जो भी प्रॉपर उसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मैं तो उनसे मांग करूंगा कि इसमें जो भी है तफ्तीश हुई है और जो भी उसमें धमकी आ रहा है वो बताया जाए दुनिया के सामने. लेकिन जब आप कह रहे हैं कि सब झूठा है तो आप ऐसे भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. मैं आप जब कह रहे हैं कि सब झूठा है तो भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? नहीं, भागे भागे फिर रहे हैं सर. हमको बाहर से भी धमकी आ रही है, मुझे डिपार्टमेंटल भी धमकियाँ आ रही है, उनके लोग भी फोन करके बोल रहे थे 6 तारीख तक कि अंदर भी जाओगे तो तुमको मार दिया जाएगा, तुम्हारे साथ टॉर्चर होगा. किसके लोग बोल रहे हैं? यहाँ की फिक्र तो हर किसी को है ना. अच्छा, धमकी कौन दे रहा है? सर मेरे पास नंबर है, मैं पुलिस स्टेशन में जैसे सरेंडर करूँगा मैं सब सामने. अच्छा, तो आज ही सरेंडर करने जा रहे हैं अभी या फिर बाद में करें? तो आप समीर वानखड़े को कब से जानते हैं? समीर वानखड़े को कब से जानते हैं? मैं उसे 2 साल से. अच्छा, उसके पहले आप नहीं जानते थे? नहीं, ना कोई मुकदमा मेरे यहाँ लिखा हुआ उसके खिलाफ. मैं कौन किरण गोस्वामी है, किस मुकदमे में वांछित है, किस में क्या है, मुझे नहीं पता. सेंटर होने कोई औचित्य नहीं होता. क्या आपको किसी ने फोन किया ये कहकर कि मैं किरण गोस्वामी? फोन में बात बहुत सारे आ रहे हैं. कौन किरण गोस्वामी, उसमें कौन एक्स वाई जेड, कौन क्या है, मैं नहीं कह सकता. मैं नहीं जानता क्या बोला उससे, कुछ नहीं बोला. कितनी देर में सर सरेंडर करेगा? मुझे नहीं पता. वायरल हुआ है उसके बारे में क्या कहते? मुझे कोई जानकारी नहीं क्या है. सर एक आईडियो ऐसा वायरल हो रहा है जिसको कहा जा रहा है कि बढ़िया थाने में ही सरेंडर करेगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वो कौन करेगा, किसने कहा है, उससे पूछिए. मुझे कोई जानकारी नहीं.